असलमैलिकम वेलकम बिंग माई टूर फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप के सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा आस्ता मुस्कुराता हुआ रखे आमिन सुमिन व्यवर्स आज मेरी सिस्टर आ रही थी तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो मेरी किचन की विंडो है ना जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं ना सारा ऑयल जो विंडो पे जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है मैंने साफ़ करी है लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा ना गंदी लग रही थी क्योंकि कलर वगैरह हट गया था तो फिर यहाँ पर मैंने गिफ्ट पेपर लिया और डबल टेप होता है ना वो मैंने इसके ऊपर पेस्ट करा और इस तरीके से ये लगा देंगे ना तो विंडो हमारी गिफ्ट पेपर से बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और जो हमारा ये जो मेल कुचेल है ना ये हमारा रिमूव हो जाएगा और ये देखें इस तरीके से ये साफ़ सुथरी लग रही है तो पहले मैंने सोचा कि ना जब वीडियो बनाती हूँ ना तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये एरिया तो मुझे पहले इसको कवर करना है और फिर मैं वीडियो वगैरह स्टार्ट करूँगी और सुबह ही बारह बजे से मैंने तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पर मैंने अपने भतीजे से ये सब्ज़ी वगैरह मंगा ली थी जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी मैंने रात को ही अपने दिमाग में नोट कर लिया था कि क्या क्या चीज़ें मुझे मंगानी है तो बस यहाँ पर बारह ही बजे उठने के बाद यहाँ सारी चीज़ें मैंने कटिंग वगैरह कर ली आलू के पकोड़े प्याज के पकोड़े बनाऊँगी छोले बनाऊँगी थी बड़े बनाऊँगी तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बनानी थी तो यहाँ पर चटनी का सामान भी मैंने कटिंग करके रख लिया था और यहाँ पर मैं पकौड़ों का मिक्सचर सबसे पहले मैं रेडी कर लूँगी ताकि हमें ना आसानी हो जाए ताकि एंड टाइम पे बस हमें पकोड़े ना फ्राई करने होंगे तो इसके लिए मैंने प्याज ऐड कर ली थी बाउल में और ये हमारे बारीक बारीक क्यूज़ में आलू थे इसके अंदर कुटी मिर्ची ऐड कर दी वन टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया था इसके अंदर और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी कसूरी मेथी आप लोग ज़रूर ऐड करा करें इससे ना जो पकोड़ा का फ्लेवर होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे भुना कोटा धनिया ऐड करेंगे भुना कोटा ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे चिकन पाउडर से भी ना पकौड़ों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है फिर इसके बाद हम सोडा ऐड करेंगे मीठा सोडा होता है ना वो एक चुटकी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे इसके अंदर हम जरा सा भी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो प्याज और आलू है ना इसी का पानी निकलेगा तो हमारा बेसन है ना इसी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाएंगी तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करने के बाद उसको मिला के ना कवर करके इसको रख दिया था बाद में ये आलू के मसालों का बेसन था तो इसके अंदर मैंने वही मसाले ऐड करे थे जो मैंने आलू और प्याज के मसाला में ऐड करा था तो इसको भी हम कवर करके रख देंगे और ये आ गया हमारा छोलों का मसाला छोलों के मसाला भी मैंने सारा निकाल के रख लिया था और यहाँ पर आ गई थी हमारी रायते की बारी तो बस रायते के लिए मैंने एक पाव दही लिया था और इसके अंदर मैंने वन टेबल स्पून ना चटनी ऐड कर दी थी भर के उसके अंदर नमक ऐड करेंगे और ये मेरी वही वाली चटनी है जो मैंने रमज़ान से पहले बनाई थी अब बस ये आखिरी थी और अब मुझे चटनी की ज़रूरत थी और सोचा कि ना सबसे सब पहले हम चटनी ना ग्राइंड कर लेते क्योंकि फिर लाइट चले जाएगी और चटनी में लेती हूँ मैंने एक गड्ढी हरा धनिया की और आधी गड्ढी पुदीने की लहसन में ज़्यादा लेती हूँ एक टेबल स्पून कुटी मिर्चें और दस अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी और इसके अंदर सिरका ऐड करा ज़ीरा और नमक ऐड करा और ये हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो जाएगी सिरके डालने से आपकी चटनी काली नहीं होती और इसकी मदत बहुत ज़्यादा हो जाती है चलने की तो बस यहाँ पर मैंने ना चटनी और जो रायता है ना बना के फ्रीज में रख दिया था ताकि किचन भी सिमटा हुआ रहे और साथ ही साथ में किचन भी समेट रही थी क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद ये हालत कंडीशन नहीं रहती कि हम किचन में दोबारा आएँ और अपना किचन समेटें बस ये होता है किचन समेट लेंगे जो बस रोज़े के बर्तन होते हैं ना बस वही अवतार के बर्तन तो वही हमें वॉश करने होते हैं और यहाँ पर अब मैं छोलों की तैयारी के लिए लग जाऊंगी तो मैं इस लहसन अदंग निकाल के लेके आ गई थी और ये किचन में यहाँ से समेट रही थी और ये किचन भी हाथ के हाथ साफ़ कर रही थी और फिर अब आपके साथ छोलों की रेसिपी मैं शेयर करूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये छोले बन के रेडी हो जाएंगे तो मैंने ऑयल पहले ही इसके अंदर ऐड कर लिया था और इसके अंदर मैंने छोले ऐड कर दिए उसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे अच्छा ये मेरे ना छोले थोड़े लग भी गए थे लेकिन मैंने इसको फिर पानी में बहुत ज़्यादा वॉश करा तो फिर इसकी जो जल्दी की स्मेल थी ना वो ख़त्म हो गई थी और फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक ऐड कर लिया था लहसुन अदरक ऐड करने के बाद इसकी ज्यादा बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे मसाला मैंने लिया था नमक हल्दी कोटी मिर्चें कश्मीरी मिर्चे कड़ी पत्ता जीरा बुना हुआ और धनिया बुना हुआ और काला नमक इसके अंदर ऐड कर रहा था और चाट का मसाला तो इसको कवर करके हम रख देंगे इतने में हमारे छोले होंगे तो बस जल्दी से हम अपना रुह रेडी कर लेंगे और रुह मैंने दो जग में बनाया था कांच के छोटे छोटे थे ना और बस मेरी बहन आई थी उसके हस्बैंड थे और मेरी खाला थी क्योंकि मेरी जो सिस्टर है ना वो खाला के घर गई है तो बस तीन अफराद वो थे और एक मई थी तो मैंने बोला ये दो जग ना इन्फ है तो बस एक ही जग ख़त्म होता था एक जग बच गया था क्योंकि वो लोग भी ना शरबत वगैरह ले आए थे अनार का ना बोतल वगैरह तो बस वो भी रख दी थी तो सब ने अनार का भी पिया था और ये भी पिया था और यहाँ पर आ गया था मैंने मेरीनेट करके तिक्का रख दिया था एक दिन पहले ही ना मैंने छोले बॉयल करके रख दिए थे और ये चिकन भी मेरीनेट करके रख दी थी क्योंकि अफ्तार के पास जो खाना वगैरह खाएंगे ना तो फिर ये तिक्का वगैरह ठीक रहेगा तो इसके लिए हम चटनी भी मैंने पहले ही करके रख दी थी और रायता भी और खीरा है ना वो भी कटिंग करके रख दिया था सारी चीज़ें ना पहले ही करके रख लो ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और यहाँ पर गार्निशिंग के लिए मैं प्याज वगैरह कटिंग करके रख रही थी और एक टमाटर ले लिया था उसको क्यूब्स की शेप में हम कटिंग कर लेंगे एक हरी मिर्चें ले ली थी और हरा धनिया वगैरह ये हम गार्निशिंग करेंगे इससे अपने छोलों की क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होती है ना तो बहुत ज़्यादा आपकी जो चीज़ें होती हैं ना दिखने में एक्ट्रैक्टिव लग रही होती हैं फिर खाने में तो और भी ज़्यादा मज़े की लगती हैं तो बस यहाँ पर चुटकी बजा के हमारी फ्रूट चाट भी रेडी हो जाएगी और फिर यहाँ पर फ्रूट चाट कटिंग कर, कर ली थी और यहाँ पर मैंने ऑल हॉलपर सी क्रीम ऐड कर दी और अच्छा जहाँ हम सर्व करेंगे ना तो फिर इसके ऊपर हम रो अफज़ा ऐड कर देंगे और देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त हमारी ये फ्रूट चाट लगेगी और ये मेरी फेवरेट फ्रूट चाट है तो बस यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी इसको भी मैं फ्रेश में रख दूंगी और ये चार बजे का टाइम था ये चार बजे के टाइम की तैयारियाँ हैं और यहाँ पर जितने भी और बाकी के बर्तन निकल रहे थे साथ ही साथ मैं वॉश कर रही थी और ये किचन वगैरह भी समेट लेंगे और हसन अपने मोबाइल में लगे हुए थे उनको मैंने खाना खिला दिया था डबल रोटी और अंडा और यहाँ पर अब क्या के कहते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद बल्कि अभी नमाज पढ़ने जाऊंगी मैं देख रही थी कि हमारा टिक्का हो गया नहीं तो बस सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें ना मैंने निकाल के बना के रख ली हैं बस अब आते हैं पकौड़े की बारी तो वो तो जब ही फ्राई होंगी जब सवा छः का टाइम होगा ना तो जब मैं फ्राई करने के लिए खड़ी आ हो जाऊंगी तो वह जब पकोड़े फ्राई कर रही थी तो लाइट चले गई थी और ये देखें घर भी पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है वहाँ पर हसन साहब लेटे हुए थे और आज की लोकेशन मैंने याली सेट करी थी विंडो के पास ही मैंने ना बिछा लिया था अपना कालीन और यहाँ पर मैंने दस्सा खान भी बिछा लिया था सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट डन कर ली थी जब बस जे आएंगे ना तो बस अवतार करेंगे और अल्लाह का नाम लेके और दुआएं करेंगे बहुत सारी क्योंकि दुआ भी करनी चाहिए तो बस यहाँ पर हसन को मैंने कपड़े वगैरह चेंज करा दिए थे और अब आ जाती है नमाज का टाइम तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में यहाँ पर मैंने मज़ेदार से अपने पकोड़े फ्राई करे और ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया था और टाइम पर हो गया था और ये यह देखें यहाँ पर छोले की चाट भी रेडी हो गई थी यहाँ पर पकौड़े फ्राई कर रही थी बस ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं आलू के पकौड़े ट्राई करूँगी बूंदियाँ ही मैंने डिप करके रख दी थी पानी में और नि, निकाल के रख दी थी और ये जो दही बड़ों का दही है ना ये भी मैंने बना के रख लिया था और ये देखें गार्निशिंग से ये होता है कि ना आपकी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रही होती हैं और देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चीज़ें लग रही हैं अच्छा दही बड़ों में मैंने इसलिए मसाला नहीं डाला था कोई मसाला डाल के खाता है कोई मसाला डाल के नहीं खाता और हमारी अवतारी माशाल्लाह डन हो गई है सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सब के इसी तरह से भरे हुए रखना और सबकी इबादतों को रोज़ों को कबूल मंजूरता फरमाए और जितनी भी औलाद है सबको औलाद की नेमत से नवाज दो जितनी भी परेशान है अल्लाह पाक सब की परेशानियों को दूर कर दे और फिर रोज़ा खोलने के बाद लाइट चले गई थी और खाना खाने का टाइम था तो बस मैंने थोड़े बहुत क्लिप ले लिए थे ये हमारा सैलेड हो गया और ये हमारी कढ़ाई हो गई तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह